सुपर फोर में एक दफा फिर होगा इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला। कोलंबो में 10 सितंबर को होगी ये भिड़ंत। और इस बड़े मैच से पहले आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मौसम कैसा रहने वाला है कोलंबो का, कोलंबो की डिटेल्ड वेदर रिपोर्ट आपको बताएंगे, आखिर कितने बजे बरसात आ सकती है, कितना परसेंट मैच प्रभावित रह सकता है, डिटेल में सब कुछ बताएंगे। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में क्या क्या बड़े बदलाव संभव है, क्या केएल राहुल खेलेंगे, क्या बुमराह खेलेंगे, सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और भैया टीम इंडिया के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, सब्सक्राइब का बटन नीचे है। टीम इंडिया की एशिया कप की, वर्ल्ड कप की और आईपीएल की तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले लेकर आते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, हर खबर सबसे पहले मिलेगी, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले वेदर रिपोर्ट के साथ। मौसम एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गया है श्रीलंका में। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों एशिया कप कराया गया, क्योंकि लगातार हम हर मैच में ही देख रहे हैं कि मौसम के कारण मैच प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन 10 सितंबर का वेदर क्या कहता है उसको हमने 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले दोस्तों वेदर रिपोर्ट में हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, आखिर किस तरह तापमान रहने वाला है इस मैच में। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो हाई टेम्परेचर रहने वाला 28 डिग्री सेल्सियस का और लो टेम्परेचर सिर्फ 26 डिग्री सेल्सियस का रहने वाला है। मतलब जो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में अंतर है वो सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस का है। जब भी ऐसी वेदर कंडीशंस दोस्तों बनती है जब हाई टेम्परेचर और दिन के लो टेम्परेचर में बहुत बड़ा गैप ना हो, ऐसी स्थिति में दोस्तों बारिश के हाई चांसेस रहते हैं। दरअसल दोस्तों जब नॉर्मल वेदर होता है ना तो दिन के समय में सूरज की रोशनी आती है आपको पता है, और बिकॉज ऑफ सन रेज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कहीं भी, श्रीलंका में भी। और अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता वो लगभग 32 से 35 डिग्री के करीब होता, लेकिन क्योंकि सिर्फ हाई टेम्परेचर 28 डिग्री पर अटका हुआ है, अच्छी खबर नहीं है। टेम्परेचर की बात करें तो ये बारिश के सीधे सीधे संकेत है। आगे बढ़ते हैं वेदर रिपोर्ट में, अब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। रिपोर्टेडली दोस्तों अभी 85 से 90% ह्यूमिडिटी चल रही है और 10 तारीख को भी लगभग 85 से 90% के बीच ह्यूमिडिटी रहने वाली है। ह्यूमिडिटी समान नहीं रहती, दिन भर कभी बढ़ती है कभी घट जाती है, लेकिन अगर दिन के समय यह प्रिडिक्ट किया जा रहा हो कि 85 से 90% ह्यूमिडिटी है, मतलब साफ है कि क्लाउड कवर अच्छा रहेगा और बारिश के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों आपके इलाके में भी जब भी बरसात होती है तो कपड़े नहीं सूखते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। एंड ह्यूमिडिटी मतलब कि हवा के अंदर जो बारिश के पानी के कण हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर हो जाता है और कपड़े नहीं सूखते हैं क्योंकि सूखी हवा ज़्यादा नहीं लगती है। तो वही चीज़ का सेम फॉर्मूला है, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, मतलब ह्यूमिडिटी के आंकड़े भी बता रहे हैं कि बारिश के हाई चांस है। खैर आगे बढ़ते हैं वेदर रिपोर्ट में, अब क्लाउड कवर की बात कर लेते हैं। अगर मैं क्लाउड कवर की बात करूं तो 82 से 100% क्लाउड कवर रहेगा। जो पीक मॉनसून सीजन रहता है कहीं भी, वहां पर दोस्तों पूरा आसमान कवर रहता है, आपको नीला आसमान देखने को नहीं मिलता है। कुछ उसी तरह की स्थिति लंका में चल रही है, पीक मॉनसून सीजन है यह, इसीलिए 82 से 100% क्लाउड कवर रहेगा, बारिश के लिए एक और खतरे की घंटी यह आंकड़ा बता रहा है। आगे बढ़े दोस्तों वेदर रिपोर्ट में रेन के चांसेस देख लेते हैं। तो जो एक्यूवेदर की और गूगल की वेदर रिपोर्ट है दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक्यूवेदर बोल रहा है 85% रेन होगी और गूगल बोल रहा है 93% रेन होगी। दोनों ही ये रिपोर्ट एक बताती है हमें रेन की कि भैया बारिश तो होगी और लगभग 90% के आसपास दिन भर का समय सिर्फ बरसात में बीत जाएगा। अभी हमने 4 रिपोर्ट देखी, अब वेदर रिपोर्ट में रेन टाइमलाइन और देख लेते हैं, आखिर कितने बजे कितनी बरसात होगी ये भी देख लेते हैं। तो लगभग 3 बजे 80% के समथिंग बरसात होने के चांसेस है, 4 बजे भी 80%, 5 बजे भी 80%। ये 3, 4, 5 बजे से मैंने इसलिए शुरुआत की है क्योंकि 3 बजे मैच की शुरुआत होगी। 6 बजे 85%, 7 बजे 80%, 8 बजे 70%, 9 बजे भी 70%, 10 बजे फिर 80%। मतलब जब जब ये मैच चलेगा तब तब बरसात होगी, पूरे मैच के टाइमिंग में बरसात का फुल प्रिडिक्शन आज की डेट के अनुसार बताया जा रहा है। और ये स्थिति रेन टाइमलाइन रेन चांसेस बताती है कि भयंकर बरसात होने वाली है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैच के होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, एंड दैट्स वाई रिजर्व डे रखा है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मैच था इसमें पूर्ण रूप से कोलंबो में बरसात का साया रहने वाला है। खैर ये अच्छी खबर नहीं है,
लेकिन आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग 11 देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों ने प्लेइंग 11 तो तैयार कर ली है। तो वेदर रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने बहुत सारे आंकड़े आपके सामने पेश किए, लाइक जरूर करना। सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। फखर जमान के साथ इमाम उल हक ओपनिंग करने वाले। पिछला मैच जो हुआ था इंडिया के साथ पाकिस्तान का, लगभग वैसी ही प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान उतरेगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जो टेस्टिंग प्लेइंग 11 है उसमें बदलाव किया जाए। पहला मैच जो हुआ था उसमें पाकिस्तान अपनी बल्लेबाजी को परखना चाहता था, और अब वो इस मैच में परखेगा। मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर आजम, नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पर आगा सलमान उतरेंगे। लोअर ऑर्डर की बात करें, हम फिनिशर्स ऑलराउंडर की बात करें, नंबर 6 पर इफ्तिकार अहमद और नंबर 7 पर फहीम अशरम उतरेंगे। तो ये बॉलर्स की बात करें तो शदाब खान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिश रॉफ गेंदबाजी लाइनअप को संभालते हुए नजर आएंगे। तो कुछ वैसी ही प्लेइंग 11 जैसे इंडिया के साथ ग्रुप स्टेज के मैच में पाकिस्तान ने उतारी थी, कुछ वैसी ही रहेगी। बदलाव की संभावना पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक एशिया कप में अच्छा क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान की गेंदबाजी सच मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है आज की स्थिति में। बेशक पाकिस्तान के अनुभव नहीं है, पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास अनुभव की बहुत कमी है, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान की गेंदबाजी ने अपर ऑर्डर को परेशान किया था। अब इंडिया की भैया देख लेते हैं क्या स्थिति है, लेकिन उससे पहले इस मैच को प्लेयर स्पॉट पर जरूर खेलना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, क्यों? क्योंकि ₹1 में ₹7,000 सीधे जीतने का आपके पास मौका है। स्पेशल कॉन्टेस्ट इस मैच के लिए, ₹1 में अपनी टीम उतारो, अगर आपकी टीम चल गई सीधे ₹7,000 आपके खाते में आएंगे। और ये जो ₹1 में ₹7,000 वाला कॉन्टेस्ट है ना, इसमें आप 12 अलग अलग टीमों के साथ खेल सकते हैं। ₹12 लगाओ, एक भी टीम चल गई ना तो सीधे ₹7,000 खाते में आएंगे। साथ ही दोस्तों ₹30,000 का गिव अवे भी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लीडर बोर्ड भी चल रहे हैं। तो डिपॉजिट करोगे तो ज्यादा पैसा रिटर्न में मिलेगा, जितना ज्यादा डिपॉजिट करोगे उतना फायदा होगा। एंड यार मैं तो प्लेयर स्पॉट पर क्रिकेट भी खेलता हूं, लूडो भी खेलता हूं, सारे गेम्स खेलता हूं। एशिया कप का पूरा मजा आपको प्लेयर स्पॉट पर मिल रहा है, और ये जो नया नियम आया ना टैक्स का, उससे प्लेयर स्पॉट के जितने भी कॉन्टेस्ट है ना, ये बचे हुए हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लेयर स्पॉट पर अकाउंट जरूर बनाना। चलिए दोस्तों अब इंडिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। इंडिया की प्लेइंग 11 से पहले दो टीम न्यूज आई है इंडिया को लेकर। पहली, बुमराह वापस श्रीलंका पहुंच गए हैं, बेबी बर्थ के कारण वो भारत आए हुए थे, मुंबई आए हुए थे, लेकिन अब वो वापस चले गए हैं नेशनल ड्यूटी के चलते। और दूसरी है कि केएल राहुल जो है वो रेडी है और 100% मैच फिट है, इसलिए सैमसन को वापस हिंदुस्तान भेज दिया गया है, जो कि रिजर्व के रूप में हिंदुस्तान की टीम का हिस्सा थे। तो ये दो टीम न्यूज हमें बताती है कि दो प्लेयर्स है जिनकी अवेलेबिलिटी पिछले मैच में नहीं थी, इस मैच में हो गई है। अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं। ओपनर के रूप में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरते हुए नजर आएंगे, यहां पर कोई बदलाव नहीं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में एक बदलाव संभव है। नंबर 3 पर विराट, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर के स्थान पर केएल राहुल को मौका मिल सकता है। वैसे तो दोस्तों केएल राहुल की जो जगह बन रही थी वो ईशान किशन के स्थान पर बन रही थी, लेकिन रिसेंटली हमने पिछले मैच में देखा है पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने प्रदर्शन किया है। नंबर 4 एक ठीक ठाक पोजिशन केएल राहुल के लिए हो सकती है, वैसे तो ओपनिंग पोजिशन उनको सूट करती है, लेकिन अगर आप केएल राहुल को ईशान किशन के स्थान पर नंबर 5 पर ऐसे विकेट कीपर उतार दे तो वो शायद सही नहीं होता। तो किशन प्रॉपर विकेट कीपर और केएल राहुल जगह लेंगे श्रेयस अय्यर की प्लेइंग 11 में अभी की रिपोर्ट के अनुसार। मिडिल ऑर्डर के बाद लोअर ऑर्डर की बात करें तो जड्डू और पंड्या नंबर 6 नंबर 7 उतरेंगे, देयर इज नो चेंज। और गेंदबाजों की बात करें तो शमी को बाहर बैठना पड़ सकता है, 8वें स्थान पर ठाकुर, 9वें स्थान पर सिराज, 10वें स्थान पर बुमराह और 11वें स्थान पर कुलदीप यादव उतरेंगे। तो बुमराह की एंट्री होगी, ठाकुर को इसलिए रखा जाएगा क्योंकि वो बल्लेबाजी फैक्टर प्रोवाइड करते हैं और गेंदबाजी भी डिसेंट कर रहे हैं। तो जाहिर इंडिया की प्लेइंग 11 बहुत बैलेंस्ड है, मिडिल ऑर्डर में आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जडेजा को कहीं भी उतार सकते हो, आप पंड्या को कहीं भी उतार सकते हो। पंड्या तो इवन ऐसा खिलाड़ी है कि अगर आपको जरूरत पड़े आप उसको नंबर 3 भी उतार सकते हो, नंबर 8 भी उतार सकते हो। ये जो दो प्लेयर्स हैं ये इंडिया को बहुत प्रॉमिसिंग टीम बना रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडिया इस मैच को जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है, जाहिर है मैं हिंदुस्तानी भी हूं, लेकिन हमने वेदर रिपोर्ट पाकिस्तान इंडिया की प्लेइंग 11 बताई, तो लाइक जरूर बनता है इंडिया के लिए, लाइक नहीं किया है तो कर देना, प्लेयर स्पॉट पर अकाउंट बना लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।